श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई है। रामलला के अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला को पुष्प अर्पित किए। पीएम मोदी ने रामलला के चरणों में चांदी का छत्र भेंट किया, साथ ही रामलला की विशेष आरती भी की। रामलला को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मोहन भागवत, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पुष्प अर्पित किए। पीएम मोदी ने रामलला के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने राम मंदिर पहुंचे अतिथियों का अभिवादन किया। सेना के हेलीकॉप्टर ने राम मंदिर में पुष्प वर्षा की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर में आतिशबाजी का दौर भी जारी है। एक उत्सव की तरह पूरा देश इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को मना रहा है। घर घर श्री राम के जयकारे ही गुंजायमान है और ये अद्भुत अलौकिक प्रतिभा जहां आज रामलला के राघव रूप की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। इस दौरान सेना के हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा मंदिर के ऊपर की गई। सभी गणमान्य विशेष अतिथि, वीवीआईपी, सेलिब्रिटीज मौजूद रहे जो साक्षी बने इस पल के, तो ऐतिहासिक गवाह पूरा देश बना। तो आज ठाट से विराजमान हुए हैं रामलला, जो कि अब वनवासी नहीं बल्कि अयोध्या वासी हो गए हैं। उन्हें मंदिर मिल चुका है, विराजमान हो चुके हैं रामलला। और ये तस्वीरें भी देखिए, जब पूजन के बाद साष्टांग प्रणाम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और बेहद अहम संबोधन रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां फर्स्ट इंडिया भी ने भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बेहद अहम तस्वीरें आप तक पहुंचाई। हालांकि पूजन में शामिल होने के बाद, महाआरती के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अतिथियों के बीच भी पहुंचे, जहां उनका अभिवादन स्वीकार किया। तो अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार थी, इंतजार प्राण प्रतिष्ठा को लेकर था, और प्राण प्रतिष्ठा भी संपन्न हुई। रामलला विराजमान हो चुके हैं और अयोध्या में अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। चलिए आज अयोध्या का ही रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी डिंपल और तृप्ति वहां से हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनका रुख करते हैं। डिंपल, सबसे पहले आपका ही रुख करना चाहेंगे, तृप्ति भी वहां पर मौजूद है इस वक्त कहां पर, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार था, वो संपन्न हुआ समारोह, लेकिन इसके बाद अब अयोध्या नगरी क्या कह रही है, क्या नजारा है और किस तरह से लोग इस उत्सव को मना रहे हैं। देखिए बिल्कुल श्वेता, इस वक्त न कि सिर्फ अयोध्या नगरी बल्कि पूरे देश भर में सिर्फ एक ही जय घोष, जय श्री राम और जय श्री राम। मैं इस वक्त उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ से राम मंदिर का रास्ता गुजर रहा है, जहाँ से कुछ ही दूरी पर राम मंदिर मौजूद है। लेकिन आज प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस क्षण का इंतजार जिसका पूरे देशवासी इंतजार कर रहे थे, जब रामलला गर्भगृह में विराजित हुए और अपनी नगरी में दोबारा वो पधारे, और वाकई दिवाली सा माहौल। देश के अलग अलग कोनों से अलग अलग तस्वीरें आ रही है, लेकिन अयोध्या में बहुत ही खूबसूरत नजारा। और सबसे पहले मैं कहूंगी अपने कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी से कि तस्वीरें दिखाए कि किस तरीके से साज सज्जा की गई, फूलों से सजाया गया, और लगातार ये जो बरसों की तपस्या थी वो सफल हुई, भक्तों की, हर एक राम भक्त की, जिन्होंने उस संघर्ष में अपना बलिदान दिया। उस संघर्ष के बाद इंतजार किया, जब नींव रखी गई फैसला आया तब उम्मीद थी, जब नींव रखी गई तब इंतजार था, और आज वो इंतजार पूरा हो गया बरसों के बाद, जब रामलला विराजित हुए और जब आज उनकी प्रतिमा सामने आई। और देखिए जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी तस्वीर, वो भी इन्हीं की थी। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में जो दिव्यता, जो देववत्स, जो भाव आज नजर आया वो उन तस्वीरों में नहीं था, क्योंकि वो प्रतिमा जीवंत नहीं थी। लेकिन आज वाकई श्री राम उस प्रतिमा में आए और श्री राम आज अयोध्या पधार चुके हैं, क्योंकि इस वक्त
वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ से लगातार वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा है और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं अयोध्या वासी हैं, क्योंकि देश में तो उत्साह है ही है लेकिन उसके साथ साथ लोगों में भी, अयोध्या के लोगों में भी बहुत ज्यादा उत्साह, इंतजार कर रहे हैं कि कब जो लोग यहाँ पर अतिथि आए हैं जिनको निमंत्रण मिला था, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज देश के शामिल हुए थे, ऐसे में उनमें उत्सुकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन जब आज सुना, अलग अलग जगह से अयोध्या की अलग अलग जगहों से तस्वीरें हमने देखी थी, भावुकता का वो क्षण था जब अलग अलग आंखों में आंसू थे अयोध्या वासियों के। और सोचिए, हम ये सोचते हैं कि हम देश के कोने कोने से बैठकर टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें देख रहे हैं, हम अयोध्या आए हैं, लेकिन जो यहाँ के रहने वाले हैं जिनको पता है कि श्री राम हमारे, कल से वो दर्शन कर सकेंगे, हर रोज दर्शन दे सकेंगे श्री राम उन भक्तों को जिनका इंतजार वो लंबे समय से कर रहे थे। और उत्सुकता इस चीज की है कि जैसे ही इतने सभी लोग जो शामिल हुए हैं, बड़े बड़े दिग्गज अलग अलग क्षेत्रों से, उनको देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए, क्योंकि बड़े शामिल हुए थे लोग और ऐसे इतने बड़े इवेंट में, देश भर की निगाहें जब इस इवेंट पर थी तो ऐसे में बहुत से लोग यहाँ पर शामिल हुए थे, उनको देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं अयोध्या वासी। और आज शाम को राम की पेड़ी पर 14 लाख दिए जलाए जाएंगे और दिवाली बनाई जाएगी, क्योंकि यहीं पर 300 फीट का सबसे बड़ा दिया जलाया जा रहा था जिसमें 2100 तेल के पीपे लगे थे और उसी के बाद अब आज 14 लाख दिए यहाँ पर जलाए जाएंगे। और उम्मीद है कि वहां पर भी हर जगह सजाया गया होगा घरों को भी, और यहाँ पर कुछ राम भक्त भी मौजूद है, इनका रिएक्शन भी जरा ले लेते हैं। राम आ गए हैं क्या कहेंगे जी? मैं राम आ गए हैं क्या कहेंगे? हाँ, राम भक्त हम लोग है और मोदी भक्त भी है, देश का एक एक कोना मोदी के लिए ही उजाला हो रहा है और उसी के संग राम रजत भी आ रहा है, इसलिए हम लोग बहुत खुश है। जय सिया बर रामचंद्र की। मैं अयोध्या पहुंच चुका हूँ, जय श्री राम, जय सिया राम। सालों का सपना पूरा हो गया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत खुशी मिल रही है, अब श्रद्धा जो लोगों की जुड़ी थी ना वो पूरी हो गई है। जो हमारे कार सेवक मरे थे उन्होंने आहुति दी थी यहाँ अपने प्राणों की, हमारी पूरी हो चुकी है, मतलब बहुत मन से बहुत अच्छा लग रहा है। सिंपल, देखिए भावनाएं हैं, कई बार होता है कि जब भावनाएं बहुत ज्यादा उमड़ती है तो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, और यही देखने में नजर भी आ रहा है। डिंपल बने रही हमारे साथ, तृप्ति का रुख कर लेते हैं। तृप्ति, तस्वीरें हमने देखी जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, किस तरह से वीवीआईपीज वहां पर थे, और सबसे अहम बात तो जो राम भक्त है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे, लेकिन ये दिन का नजारा था जब फूलों से सजी अयोध्या नगरी नजर आई, फूलों से सजा हुआ ये मंदिर नजर आया, लेकिन दिव्य जो दृश्य होंगे वो शाम के भी होंगे जब दीप जलाए जाएंगे और जगमगाती हुई अयोध्या नजर आएगी। क्या तैयारी है इसे लेकर? बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बता दूं कि दिन में अयोध्या बहुत अलौकिक, बहुत खूबसूरत हमें नज़र आ रही है, और वो आज से नहीं, जब से यहाँ पे तैयारियाँ शुरू हुई हैं तभी से यहाँ का जो रूप है वो और ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। और मैं ये बोल भी रही थी बार बार कि जो अयोध्या अभी हम देख रहे हैं वो आधुनिक तरीके से एक त्रेता युग की अयोध्या ही नज़र आ रही है, और जब आज प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ, जब वो दर्शन हुए, तो सच में एक बार को ऐसा ज़रूर लगा कि शायद हम उस त्रेता युग में पहुँच गए हैं, जिसकी बात हम लगातार कर रहे थे कि जीर्णोद्धार मंदिर के हुआ करते हैं, यहाँ नगरी का हुआ है, तो उस त्रेता युग की नगरी को आज हमने फील किया। और अभी आपने बात की शाम के यहाँ के रूप की, तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन पहले भी दे दूँ कि यहाँ पर लगातार 4 दिन से जो राम की पैड़ी है वहाँ पर लेजर लाइट एंड साउंड शो हुआ करता था, जो कि वहाँ पर पूरी रामायण भी चलाई जाती थी बहुत बड़े पर्दे पर, उसके बाद में वो साउंड शो होता था और उसमें राम के जो भजन है, राम की चौपाइयाँ हैं, वो देखने के लिए देश दुनिया से जितने भी श्रद्धालु मौजूद होते थे अयोध्या में वो सब वहाँ पहुँचते थे। जो लोकल लाइट्स हैं अयोध्या के वो तो जाते ही जाते थे, जो बाहर से आते थे वो भी। और आज वो दिन, आज वो ऐतिहासिक दिवाली, क्योंकि जिस दिवाली की हम लगातार बात कर रहे थे, जिस दीपोत्सव की हम लगातार बात कर रहे थे, वो आज हमें साक्षात देखने को मिलेगा। क्योंकि जितने लाख दियों की बात हम कर रहे हैं कि वहाँ पर राम की पैड़ी पर वो दिए लगाए जाएंगे, तो आप सोच सकती हैं जो राम की पैड़ी इतनी खूबसूरत वैसे ही नजर आ रही है, तो जब वहाँ पर हमें दिए नजर आएंगे, जो रूप लगेगा इस अयोध्या का वो तो ऐसा होगा मनमोहक कर देने वाला। और अभी की मैं बात करूँ, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, लगातार हम बात कर रहे थे
कि वीवीआईपी लोग आज इस इवेंट में शामिल हुए हैं। हम लगातार ये बात कर रहे थे कि जो ये उत्सव है सिर्फ ये इंडिया का नहीं बल्कि इंटरनेशनल उत्सव ये बन चुका है, इंटरनेशनल इवेंट ये बन चुका है। तो जो लोग आए थे वो इसी रास्ते से वापस जा रहे हैं और उनकी एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों किनारे दोनों ओर जो है वो लोग यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको बता दूं बाबा बागेश्वर धाम यहाँ से अभी गुजरे और राम भद्राचार्य महाराज यहाँ से गुजरे, शंकराचार्य यहाँ से गुजरे और भी बहुत सी ऐसी हस्तियां जो यहाँ से गई जिनको और उन्होंने यहाँ पर खड़े लोगों को हाथ हिलाकर उनका अभिवादन भी स्वीकार किया। तो ये सारी वो तस्वीरें जो यहाँ के लोगों के चेहरे पर जो तेज है ना वो अपने आप बयां कर देता है। आपने बहुत सही बिल्कुल अब क्योंकि देखिए वीवीआईपी मूवमेंट है, अब सभी यहाँ से रवाना हो रहे हैं, आम जन की भी उत्सुकता होती है और यही वजह है कि कतारों में सड़क के दोनों तरफ ये लोग मौजूद है, देखना चाहते हैं, एक झलक पाने के लिए भी कई बार बहुत ज्यादा खुशी इन्हें मिलती है। लेकिन तृप्ति क्या सभी की रवानगी होगी, ये शाम के वक्त घाट पर भी मौजूदगी रहेगी जब दीपक जलेंगे और जगमगाती हुई अयोध्या नजर आएगी, तो क्या किसी बड़ी हस्ती का उसमें भी शामिल होने का कार्यक्रम रहेगा या सभी की रवानगी है? अभी इसके बारे में श्वेता ऐसा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जिस तरीके से क्योंकि अंदर से जैसे जैसे गाड़ियां आ रही है तो हमें पता चल रहा है कि कौन कौन सी ऐसी हस्तियां हैं जो यहां से अभी रवानगी ले रही हैं और कुछ ऐसी हस्तियां भी होंगी जो अभी यहां पर मौजूद होंगी। वो सारी तस्वीरें कुछ देर बाद पता चल जाएंगे जब हम राम की पैड़ी पर सरयू घाट पर मौजूद होंगे क्योंकि सरयू माता की जो आरती है, पिछले 2-4 दिनों से हम अयोध्या के दर्शन हमारे दर्शकों को करवा रहे थे, यहाँ पूरी अयोध्या नगरी हमने उन्हें फर्स्ट इंडिया के जरिए दिखाई, तो आज सरयू माता की जो आरती है वो विशेष रूप से बहुत ही विशाल रूप से यहाँ पर की जाएगी। मैं आपको बता दूं इस आरती के लिए भी विशेष इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए थे और राम की पैड़ी पर आज का जो आयोजन है वो अपने आप में इतना खास है क्योंकि जब हम नॉर्मल राम की पैड़ी पर दिया जलाते हैं, दिया जलता हुआ देखते हैं, सरयू घाट पर दिया जलता हुआ देखते हैं तो वैसे ही इतने ज्यादा वो अच्छे लगता है। तो जब वहां पर 14 लाख दिए एक साथ जलेंगे तो सोचिए वो कितनी खूबसूरत तस्वीर होगी। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये तस्वीर सिर्फ यहाँ की नहीं है, आप अगर यहाँ से 4-5 किलोमीटर अंदर जाएंगे गांव में तो आज वहां पर घी के दिए जलने की जो बात कही गई थी वो सच होने वाली है। आपको पूरी अयोध्या नहीं बल्कि देश दुनिया के हर कोने में आज दीपावली मनती हुई नजर आएगी। मैं कुछ आपको शेयर करना चाहूंगी कि अगर हम लोग हमारी फैमिली मेंबर्स से बातें कर रहे हैं या हमारे दोस्त हमें स्टेटस वगैरह दिख रहे तो उसमें भी आज घरों पर लाइटें लगती हुई नजर आ रही है, हर किसी का घर जगमगा रहा है और शाम को दिया भी हर किसी के घर में जलेगा जो कि कहा जा रहा था क्योंकि आज ऐतिहासिक दिन जिसका इंतजार सभी को था, जिसका संकल्प सभी ने लिया था, उन्हें हम नहीं भूल सकते जिनकी वजह से जो ये दिन है वो आज आ पाया है। और शायद एक कारण ये भी है, जब अयोध्या वासियों को हमने देखा और उनकी आंखों में आंसू थे तो उसके आंसू का कारण एक ये भी था कि इस दिन को पाने के लिए बहुत से लोगों ने मेहनत की, बहुत से लोगों ने बलिदान दिया और उस बलिदान को याद करते हुए भी वो भावुक हो रहे थे कि आज जिनका जिन्होंने भी बलिदान दिया उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, उनके जो श्री राम है उनकी नगरी में आ गए हैं, उनके श्री राम अब हर रोज उन्हें दर्शन दे सकेंगे। और कल मैं बात कर ही रही थी दर्शन देने की बात पर, तो दर्शन जो है वो कल सुबह से लेकर 10:30 बजे तक खुलेंगे, 11:30 बजे तक खुलेंगे, उसके बाद में दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक वापस से दर्शन जो है वो खोले जाएंगे जिसमें जो आमजन है अयोध्या के वो दर्शन कर सकेंगे। तो ये जो घड़ी है इसका इंतजार मैं आपको बता दूं काफी टाइम से हो रहा था, यहां तक ये कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला आया था उसके बाद से सभी लोगों को इस दिन का इंतजार था कि वो दिन कब आएगा जब श्री राम अपने भव्य मंदिर में स्थान लेंगे, श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। तो ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि बहुत लंबा इंतजार रहा है श्वेता, 500 साल के बाद में आज हम वो दिवाली मनाएंगे जिसका इंतजार शायद हमें भी उतना ही है जितना सभी को है क्योंकि वो त्रेता युग हमने नहीं देखा, उस समय हम मौजूद नहीं थे, लेकिन आज के त्रेता युग की अयोध्या हम प्रॉपर देख रहे हैं। और जब अयोध्या को हम देखते हैं ना, जब हम हमारी नजरें घुमाते हैं तो इतनी खूबसूरत अयोध्या नजर आती है, चाहे वो फूलों से सजी हुई हो, बैंड यहाँ पर प्रॉपर बज रहे हैं, यहाँ पर भजन हो रही है, राम की चौपाइयाँ हो रही है, सड़क के दोनों ओर यहाँ पर जो नृत्य है लोकगीत नृत्य सारे हो रहे हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि 1-1.5 घंटे के लिए है, इतने एक्टिव लोग हैं, इतनी एनर्जी है सब में कि सुबह 6 बजे से हमने तस्वीरें दिखाई, 7 बजे से तस्वीरें दिखाई और अब ये समय आ गया है और अभी भी वो लोक नृत्य लगातार जारी है। तो ये उत्साह ही है, ये उमंग ही है, ये तरंग ही है उनके दिल की जो लगातार उन्हें थकने नहीं दे रही। जो यहाँ लोग मौजूद है वो ऐसा नहीं है कि 1/2 घंटे या 1 घंटे या 4 घंटे से हो, ये वो लोग हैं जो सुबह 4 बजे से यहीं पर
मौजूद है क्योंकि सेफ्टी को लेकर आगे नहीं जाने दिया जा रहा। आज आम जनता को पाबंद किया गया है तो उसको लेकर देखिए ये धार्मिक स्थलों में पहुंचने के बाद शक्ति ही होती है क्योंकि आप कहीं घूमने जाइए आप बहुत जल्दी थकान महसूस करेंगे, लेकिन जब धार्मिक स्थल पर आप जाते हैं दर्शन के लिए बहुत ही आप पैदल चल रहे पूरा दिन आप ऐसे ही इंतजार करते रहे लेकिन इसके बावजूद भी थकान नहीं होती और ये राम भक्तों को यही वजह है कि ये शक्ति प्रभु श्री राम से मिल रही है और इसलिए ये उत्साहित भी हैं। तृप्ति और डिंपल बहुत बहुत शुक्रिया।